स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, रमन सिंह का बड़ा बयान, जल्द हम गोबर घोटाला का खुलासा करेंगे। रायपुर। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा, मैं शुरू से यह कहता हूं कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी कांग्रेस के एटीएम हैं। प्रदेश में लगातार अवैध कारोबार हो रहे हैं। कोरबा का होटल वाला, पान वाला से लेकर कलेक्टर तक सभी जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहां जाता है। हिंदुस्तान में शायद यह पहला मामला होगा जब इतने बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के यहां रेड हो। ईडी के छापे के बाद भूपेश बघेल की जो प्रतिक्रिया आ रही है वह भी आश्चर्यजनक है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रदेश के सड़कों में गड्ढे होने का जवाबदार कौन है, भूपेश बघेल बताएं। अकेले पाटन में 1700 करोड़ रुपए खर्च क्यों होते हैं, भूपेश बघेल ये बताएं। बस्तर और सरगुजा के 15-16 विधानसभा में 1200-1300 करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और एक विधानसभा पाटन में 1700 करते हैं, तो बाकी सड़कें उखड़ेंगी नहीं तो क्या होगी। पाटन ही मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, पाटन ही उनकी विधानसभा है, पाटन से ही इन्हें वोट लेना है। बाकी छत्तीसगढ़ आज उनसे पूछ रहा है कि सड़कों में खड्डे क्यों हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, प्रदेश में गोबर खरीदी को लेकर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, जल्द भाजपा के पूरे कार्यकर्ता प्रदेश भर के गोठान में जाएंगे, पूरे आंकड़ों के साथ यह पता करेंगे कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, जल्द हम गोबर घोटाला का खुलासा करेंगे। प्रदेश में बड़ी समस्या आवास शराबबंदी है, लेकिन इससे बड़ी समस्या गोठान और गोबर खरीदी है।